सर यादव को क्यों लगता है सर कि यहाँ शराब हमेशा मिलती है और इजी अवेलेबल है, लगातार वो हमलावर है बिहार सरकार पर, अनलिमिटेड दारू मिलता है, वो पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है सर? यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है? उनको जानकारी है ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे इसलिए ऐसा उनको मालूम है। सर उपचुनाव में क्या माहौल देते हैं एनडीए का? चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बन कर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को स्वराज सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है, अच्छी बात, यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है, आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। और हमको तो लगता है कि जैसा कहा कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया है भाजपा वालों ने। उनको कोई हाईजेक कर लिया होगा, नीतीश कुमार कर लिए थे हाईजेक कुछ दिन।